कांग्रेस के कार्यकाल और उसकी कार्यशैली से जनता का भरोसा कुछ ऐसे उठा कि पहले तो गुजरात से आए एक नायक नरेंद्र मोदी ने 2014 में उसे सत्ता से उखाड़ फेंका और उसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का वजूद राजनीति में कुछ ऐसे गिरा कि अब भरपूर कोशिशों के बाद भी ऊपर नहीं उठ पा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी पर चुप्पी साधे रहने वाली कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाते हुए 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया। मंदिरों के चक्कर काटे, पूजा प्रार्थनाएं की, यहां तक कि जनेऊ भी पहना, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। एक तरफ बीजेपी के पास उम्मीदवारों की भारी भीड़ है जो जिताऊ भी है और बीजेपी के विश्वसनीय भी, लेकिन दूसरी तरफ है कांग्रेस जिसे अभी तो फिलहाल प्रत्याशियों की तलाश है। जो जिताऊ है कि नहीं वो तो परिणाम की घोषणा के साथ ही पता चल पाएगा। उसके बाद है नेतृत्व में अनुभव की कमी। वंशवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अध्यक्ष तो राहुल गांधी को बना दिया, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी को संभालने के काबिल हैं? अब जब जिम्मेदार पद पर बैठ गए हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ ही जाती है, लेकिन लगता है कांग्रेस नेताओं में जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तभी तो लोकसभा चुनाव जैसे देश के महापर्व को लेकर बच्चों जैसी भूल कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि गुरुवार को कांग्रेस ने यूपी की महाराजगंज सीट से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बना दिया, बिना ये देखे कि तनुश्री को शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रसपा महाराजगंज सीट से पहले ही अपना प्रत्याशी बना चुकी है। कांग्रेस ने यह फैसला जल्दबाजी में उनके भाई को देख कर लिया। जब अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लिए बैठे थे तो कांग्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमरमणि त्रिपाठी चुनाव जीत गए, वैसे ही कांग्रेस ने तनुश्री को टिकट थमा दिया, जबकि उन्हें पहले से ही प्रसपा का प्रत्याशी बनाया जा चुका था। इतना क्या कम था कि जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश कांग्रेस कुछ इस तरह से कर रही है कि पुराने सहयोगियों पर भरोसा न कर नए प्रत्याशियों को ज्यादा अहमियत दे रही है, जिससे पार्टी के नेता बगावती मूड में नजर आने लगे हैं, जिन्हें अपने पाले में रोकने के लिए हो सकता है पार्टी को एड़ी चोटी का भी जोर लगाना पड़ जाए। जरा सी भी चूक होने पर कांग्रेस को उसके पुराने सहयोगियों से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर पार्टी का पैराशूट प्रत्याशियों पर भरोसा ऐसा ही रहा तो पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी। बात अगर इटावा की ही कर लें तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह पिछले एक दशक से पार्टी की सेवा में दिन रात लगे हैं। हाईकमान से लेकर जिम्मेदार नेता अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाने का आश्वासन तक दे चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें धोखा दे दिया और टिकट थमा दिया एक दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अशोक दोहरे को। ठीक ऐसा ही हुआ देवरिया सीट पर, जहां से अखिलेश प्रताप सिंह पिछले कई साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट थमा दिया बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए नियाज अहमद को। देवरिया के अलावा सीतापुर, बहराइच, बस्ती, पीलीभीत और फूलपुर समेत दर्जनों ऐसी सीटें हैं जिसमें पार्टी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर भरोसा न जताकर पैराशूट प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, जो पहले ही किसी और पार्टी का साथ छोड़कर इनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे मेहनत कर रहे नेताओं को संभव है अनदेखी बर्दाश्त न हो, फिर अलगाव की स्थिति पैदा होने के बाद बगावत को कोई रोक न पाए, जिसका कांग्रेस को सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि फिलहाल कहीं से भी कांग्रेस को किसी भी चीज का फायदा होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य जितिन प्रसाद के साथ तो पार्टी ने गजब ही खेल कर दिया। इसके बाद लखनऊ की सीट अभी तक खाली ही है। कांग्रेस अभी तक यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट के लिए किसी का चयन नहीं कर पाई है, जिसे वो बीजेपी के राजनाथ सिंह के आगे उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतार सके। इस सब से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और अगर अनुभवहीन कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा चुनाव 2019 के लिहाज से कांग्रेस को भारी पड़ गया तो फिर इसके बाद कांग्रेस को खुद को स्थापित करने के लिए फिर कोई पहाड़ ही खोदना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी विशाल है, अनुभव की भी कमी नहीं है,
तो जरूरी है कि कांग्रेस अभी भी अपनी गलतियों से सबक लेते हुए जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर तसल्ली से फैसले ले, जिससे लोकसभा चुनाव 2019 में बड़े बड़े दावे कम से कम हवा हवाई साबित न हो। माननीय हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सादर नमस्कार करती हूँ। मैं शकुंतला सिंह परिहार ग्वालियर से एक शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नव निर्माण भारत की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे भ्रष्टाचार को लेकर है। पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा लिया गया, निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे, प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूं शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भाग जा रहे, भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाना ही पड़ रहे हैं, जो पैसे गए कानून बनाए हमने, 9,000 करोड़ रुपया का घपला किया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है, ऑक्शन होता चला जा रहा है, ये सबका दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकलाते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया।
पहले जितने लोग टैक्स देते थे आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है, एक ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना, उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारी परंपरा ही नहीं रही जी। आपने देखा उस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है।